एक भूतिया घर में रहने पर कैसा लगता है? मुझे नहीं पता, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। असल में इस सब के पहले हम बस एक आम परिवार जैसे थे। मिस्टर ग्रोस ने उससे बात करनी शुरू की तब से प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। कैसी बातें? जैसे कि सवाल पूछना, हाँ और ना के लिए नॉक करना, उस तरह की बातें। अगर हम अभी उस आत्मा से बात करें तो कैसा रहेगा? कोई है यहाँ? क्या कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? अगर कोई है तो बताओ हमें। कोई नहीं है। वो आत्मा हमारे इशारों पर नहीं चलती। जेनेट तुम ठीक हो ना? जेनेट, जेनेट, जेनेट तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जेनेट नहीं हूं। क्या तुम्हारा नाम जेनेट नहीं है? जेनेट सो गई है और मैं जाग रहा हूं। तो तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मॉरिस ग्रोस। तुम कौन हो? ये मेरा घर है, दफा हो जाओ। नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है। बोलो तुम्हारा नाम क्या है? नॉक नॉक। ठीक है, बोलो कौन है? बिल, 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 बिल। बिल कौन? मेरा नाम बिल विल्किंस है और मैं 72 साल का हूं। बताओ तुम कहां से आए हो? मैं कब्र से आया हूं। तुम्हारी मौत कैसे हुई? मैं अंधा हो गया और फिर ब्रेन हैमरेज हुआ। मुझे नींद आ गई और कोने की कुर्सी पे मर गया। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे इनकी चीखें सुनना पसंद है। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? बुढ़िया कहेगी। जेनेट मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दीजिए जेनेट।